स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन तैयारी आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आया है गणित ज्ञान के रूप में। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कि आज इस गणित ज्ञान की क्लास में आप लोगों को क्या नया कॉन्सेप्ट या क्या नया लॉजिक सीखने को मिलेगा। तो आज का क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए ये, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड ही ऑफर्स अ डिस्काउंट। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज इफ द शॉपकीपर मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20%। एक दुकानदार क्या करता है कि लागत मूल्य को बढ़ा देता है 40% और उसके बाद उस सामान पर कुछ छूट देता है। उस छूट को देने के बाद भी दुकानदार को जो लाभ होता है वो 15% का लाभ होता है। तो हमें यहाँ पर यह बताना है कि जो दुकानदार ने छूट दी थी यानी जो डिस्काउंट दिया था, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया था। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 रुपीज, यानी माना सीपी कितना है हमारा, 100 रुपए सीपी को मान लिया। यहां पे लिखते हैं सीपी, यहां लिखता हूं मैं मार्क प्राइस और यहां लिखता हूं मैं सेलिंग प्राइस। सीपी था मेरा 100 रुपए, मैंने इसको बढ़ाया 40% से, यानी मेरा मार्क प्राइस हो गया 140 रुपए। ठीक है, पर मुझे फायदा कितने का हुआ है, फायदा हुआ है 15% का। और जैसा कि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि जो फायदा होता है, फायदा हमेशा प्रॉफिट और या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। यानी अगर 15% का फायदा हुआ और मेरा सीपी 100 है तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115, और अगर मेरा सेलिंग प्राइस 115 है और माल प्राइस 140 है तो मेरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है माल प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी डिस्काउंट हो गया मेरा 25 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो देखते हैं स्टूडेंट डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा। डिस्काउंट है 25 का और एमआरपी था 140, यानी मेरा डिस्काउंट कितना हुआ, 25/140 × 100, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, यानी 25/125/7, यानी 7 × 1 = 7, 5 × 5 = 49, 6 × 0 = 56, 17.8% का डिस्काउंट हुआ। यानी मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 17.8% होगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 17.8%। मैं स्टूडेंट फिर से क्वेश्चन आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूं ताकि हल्की फुल्की कंफ्यूजन भी आप लोगों की दूर हो जाए। देखिए स्टूडेंट, माना देखो टोटल सीपी मैंने मान लिया 100 रुपीज का, यानी क्रय मूल्य हो गया मेरा 100 रुपए। एक टेबल मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने क्रय मूल्य, लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस, सीपी, एमपी और सेलिंग प्राइस। सीपी पे देखो, जब भी मार्क प्राइस होता है, प्राइस मार्कअप होता है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। सीपी था 140% का मार्कअप किया, यानी मेरा मार्क प्राइस हो गया 140, पर मुझे 15% का डिस्काउंट, 15% का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। यानी प्रॉफिट 15% का हुआ और कॉस्ट प्राइस 100 था तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया 115। और डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट जो कर, जब कभी भी हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी मेरा मार्क प्राइस था 140, सेलिंग प्राइस था 115, तो मेरा डिस्काउंट हो गया 25 का और मेरा डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25/140 × 100। इसको सॉल्व करूंगा जब मैं, तो 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, तो 25/125/7, यानी 7 × 7 = 5, 7 × 7 = 49, 6 × 0 = 7, 56, 17.8% के अप्रोक्सीमेटली मुझे मिलेगा डिस्काउंट।
17.8% के अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंट परसेंटेज आएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट और आज का लॉजिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।